उसको मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। देखो देखो गाइस, मैं सिलेंडर लेके आ चुका हूँ। ये मेजरिंग सिलेंडर है। तो हमें ना इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, जो कि मैंने इस सिलेंडर में, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख दिया है। तो हमें इसमें अभी 15 ml विनेगर डालना है, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा है, मेजर 15 ml विनेगर इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट इन टू द टेस्ट ट्यूब। तो हमें पहले विनेगर निकालना है अपनी किट में से। ये रहा विनेगर, इसको निकाल लेते हैं। चलो मैंने निकाल लिया। अब इसको 15 ml इसमें डालना है। तो दोस्तों चलो मैं विनेगर इसमें 15 ml डाल देता हूँ। जी बिल्कुल ध्यान से डालना होगा। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत निकल रहा है दोस्तों। अभी 10 ml हो चुका है दोस्तों। दोस्तों ये 15 ml हो चुका है। दोस्तों इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एड 1 scoop ऑफ बेकिंग सोडा इनटू द बलून विद द हेल्प ऑफ द फनल। मेक श्योर द फनल इज ड्राई। ओ तो हमें अपना ये मेजरिंग वो फनल निकालना है, सेपरेटिंग फनल। और इसको हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देना है। और फिर हमें नहीं, अरे टेस्ट ट्यूब के ऊपर थोड़ी रखना है, हमें बलून के ऊपर रखना है। ये रहा बलून, इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। इसके ऊपर ऐसे लगा दे यार। लो मैंने लगा दिया है। अब इसके अंदर हमें बेकिंग सोडा निकालना है। तो चलो बेकिंग सोडा निकालते हैं। ये रही बेकिंग सोडा, ग्रीन कलर की है जो, इसको निकालो। और हमें इसमें 1 scoop बेकिंग सोडा डालना है। तो हम बेकिंग सोडा को पहले खोलेंगे। ये बेकिंग सोडा हमारे खाने में काम आती है। हम कुछ बनाते हैं, जैसे केक बनाते हैं या कुछ, तो उसमें काम आती है। अरे ये तो नीचे ही गिर गई थोड़ी। चलो तो कोई बात नहीं। हाँ तो हम 1 scoop डालेंगे इसमें। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे अरे सॉरी, तो नीचे गिर गई। तो दोस्तों अब मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ, जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सारे समेट लिया। अब बस इसमें ये जो चम्मच दिख रही है ना, ये चम्मच से मुझे ना बस वन चम्मच निकालनी है और फिर बलून के अंदर डालनी है। थोड़ी सी ज़्यादा निकालते हैं। हाँ ये सही है। अब इसको ये सेपरेटिंग, ये जो फनल्स है इसके अंदर ऐसे डालेंगे तो बलून के अंदर चले जाएगा।